फ्रेंड्स आप जो देख रहे हैं इसे T20 का डिजिटल मॉडल बोलते हैं, जिसमें जो रिमोट है वो डिजिटल रहेगा। देख सकते हैं ये रिमोट डिजिटल वाला रिमोट है और इसके रिसीवर से ये सारे डिजिटल रहेंगे, मतलब इसके ऊपर डिजिट रहेगा। जैसे एक नंबर है इसको हम दो नंबर तीन नंबर, जैसे देख सकते हैं एक नंबर है, अब इसको दो नंबर तीन नंबर चार नंबर जितना नंबर चाहिए हम उसको पेयर कर सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं। जैसे सारे के सारे मैंने एक नंबर पर सेट कर दिए और देख सकते हैं कुछ जो रिसीवर्स है उसके यूज बैटरी हमने इंसर्ट किया है। देखिए ये ब्लिंक हो रहा है, मतलब इसकी बैटरी वीक हो गई है, ये कभी भी आपको धोखा दे सकती है। तो जैसे ये ब्लिंक नहीं हो रहे मतलब ये अभी प्रॉपरली काम कर रही है। ये रिमोट है, रिमोट के ऊपर यहाँ पे ऑन ऑफ की है, जैसे इसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रोलिंग की है, नंबर कम ज़्यादा होता है। जैसे ये डबल डैश है, मतलब ये ऑल वाला है और ये है 96 नंबर। और जैसे एक नंबर के बटन को प्रेस कर देंगे देखिए सारे के सारे शुरू हो जाएंगे। अभी दो टेस्ट इंडिकेटर इसके साथ में मिलते हैं तो मैंने यहाँ पे लगा दिए चेक करने के लिए। जैसे इसको बटन को मैं प्रेस कर दूंगा देख सकते हैं ये लग रहे हैं और सारे के सारे ब्लिंक हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे लाइट लगा था, देखिए फिर से मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक इंडिक्शन शुरू हो जाता है, देखिए इंडिक्शन शुरू हो गया तो ये देखिए रेड मतलब एक्टिवेट हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लैंप लगाया है, उसका मतलब ये हमने यहाँ पे जो कनेक्ट किया है उसका ये इंडिकेशन है कि हमारा सिस्टम ओके है। देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन इंडिकेटर शुरू हो गया है, मतलब हमारा पायरो या इंडिकेटर यहाँ पे कनेक्ट है। जैसे इसको बटन को प्रेस कर दूंगा तो देखिए ये शुरू हो गया, बढ़िया है। इसको अभी पेयरिंग करने के लिए ज़्यादा तामझाम नहीं है। जैसे एक नंबर है, एक नंबर और ये एक नंबर है, जैसे ये दो नंबर है हमें चाहिए दो नंबर, देखिए इसे दो नंबर, इसको मैंने दो नंबर कर दिया, ये दो नंबर। इसको तीन नंबर पर सेट करने में जोड़ी बनाना है मुझे, देखो इसको तीन नंबर पर सेट कर दिया मैंने, इसको भी तीन नंबर पर सेट कर देता हूँ। इसको पेयरिंग करना एकदम सिंपल है, इसको मैं चार नंबर पे सेट कर देता हूँ, ये चार नंबर, और इसको भी चार नंबर पे सेट कर दिया। अभी देखिए ये जैसे एक नंबर की बटन प्रेस कर दूंगा तो ये दोनों शुरू हो जाएंगे। देखिए एक नंबर से दोनों शुरू हो गए, ये दो वाले, ये तीन वाले और ये चार वाले। देखिए इस तरह से आप सभी के सभी एक साथ शुरू कर रहे हैं तो सभी के सभी एक साथ इससे शुरू हो जाएंगे। देख सकते ये लैंप यहाँ पे लग जाता है जिससे मतलब ये शुरू हो गया। ये बढ़िया रिमोट सिस्टम है, जिससे इसके ऊपर जो डिजिट रहता है उससे हमें दिक्कत नहीं आती है हमें प्रोग्रामिंग पेयरिंग करने में। जैसे इसको देखिए हम कैसा भी इसको 99 नंबर तक इसको हम पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे मैं इसको 10 पे लेके जा रहा हूँ, देखिए ये 10 पे लेके गया इसको, और इसको भी 10 पे लेके जाता हूँ मैं रिमोट को, देखिए रिमोट के बटन को मैं 10 पे लेके जाता हूँ। और देखिए जैसे इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको जैसे पेयर कर 10 नंबर इस पर 10 नंबर, जैसे बटन को प्रेस कर दूंगा देखिए लैंप लग गया मतलब ये वर्किंग है। इसको मैं अभी 11 नंबर करूँगा और ये रिमोट पे 11 नंबर है, जैसे कि इसको प्रेस कर दूंगा देखिए शुरू हो गया। इसको पेयरिंग करना एकदम सिंपल है, बढ़िया है, होलसेल रेट में मिल जाता है और ये यूनिक सिस्टम है। और आपका यदि प्रोफेशनल लेवल में काम है तो ये इवेंट का मशीन T20 फुल्ली डिजिटल रिमोट सिस्टम ले सकते हैं, जिसमें रिमोट तो डिजिटल रहेगा और रिसीवर भी डिजिटल रहेगा। इसके अंदर जो बैटरी है वो रिचार्जेबल, इसके अंदर जो बैटरी है ये 9 वोल्ट की बैटरी लगती है, चाहे आप रिचार्जेबल बैटरी लगा सकते हैं या फिर ये वन टाइम यूज़ वाली बैटरी भी लगा सकते हैं। इस तरह से होलसेल रेट पे मिल जाता है, ये परचेज करना है तो विश्वास इनके पास आइए, चेक कीजिए और लेके जाइए। थैंक यू।